बेटा अब ये कलश को पैर लगा के अंदर आओ और अपने इस नए घर में आकर नई जिंदगी की शुरुआत करो। आरती हो गई हो तो मैं पूजा कर लूं? तो कहना क्या चाहती है? अभी बताती हूं। मैं इस गलतियों की दुकान के साथ इस घर में नहीं रह सकती। मैं गुड्डन को अपनी सास नहीं मानती। या तो गुड्डन इस घर में सास बनकर रहेगी या मैं बहू बनकर। इस घर की बड़ी बहू जरूर है, पर इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, इसका फैसला करने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। जो अपनी मर्जी से जाना चाहता है वो जा सकता है, लेकिन आज तक इस घर से ना ही किसी औरत को इस तरह निकाला गया है और ना ही निकाला जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं जी? मैं भले ही इस घर से चली जाऊं, आप गुड्डन को इस घर से नहीं निकालेंगे? नहीं, आप तीनों की जिद थी ना मेरे लिए एक पत्नी और अपने लिए सास ढूंढने की, तो आप इन्हें अपनी सास के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं नहीं जानता कैसे, पर इस परिवार में आए हुए इस बदलाव को आप लोग जितना जल्दी मान लें उतना आपके लिए अच्छा होगा। कोई जाएंगी? मतलब अभी दुर्गा जी ने डंके की चोट पर ढिंढोरा पीटा था ना, या तो इस घर में ये रहेंगी या हम। और अभी अभी जो भी कुछ हुआ उससे एक बात तो साफ है कि भाई हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं। और हाँ, आप लोगों का इनके बिना मन तो नहीं लगेगा ना? अब
हमारी मानिए तो आप दोनों भी इन्हीं के साथ निकल लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। वैसे आप चाहे तो हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप यही चाहती है ना हम यहाँ से चले जाएं? हम चले जाएं। बस आप है ना हमारी मांगे पूरी कर दीजिए, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तो हम यहाँ से नहीं जाने वाले। बिल्कुल सही सोचा है तुमने। अब रही बात दहेज की, अभी इनके पास जो कुछ भी है वो तो लल्ला का है, और लल्ला का जो कुछ भी है वो तो तेरा ही है। अब छोड़ इन बातों को, आ बेटा मैं तुझे तेरा कमरा दिखा दूं। आ जा बेटा। दादी अब से एक बात बोले। हाँ बोल ना। नींद आ रही है। अरे नहीं दादी, वो तो इतना कुछ होने के बाद वैसे ही उड़ गई। बात ये बोलनी थी कि थैंक यू, आप हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। अरे बेटा, बड़ों का तो फर्ज होता है छोटों का ध्यान रखना। अब जैसे तू रखेगी अपनी बहुओं का ध्यान, देख उम्र में चाहे वो तुझसे बड़ी है लेकिन क्या है ना, औहदे में तो तू बड़ी है ना उनसे, इसलिए तू ध्यान रखेगी उनका। ले आ गया तेरा खुद का कमरा, चल। मेरा खुद का कमरा? आप इस वक्त कोई काम था क्या? नहीं काम तो कोई नहीं था बेटा, मैं तो दुल्हन को उसके कमरे तक छोड़ने आई थी। आज से उसका भी तो यही कमरा है ना। चल दोनों ध्यान रखना, चलती हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो बोल देना। डर कैसे नहीं लगेगा दादी, अगर ये अपनी पहली बीवी का खून कर सकते हैं तो कोई मुझे भी। दादी माँ। दादी आपको पता है ना कि माँ ये यहाँ, आप तो जानती है ना कि मुझे अपना कमरा किसी के भी साथ शेयर नहीं करना होता। जानती हूँ, पर ये गैर नहीं, तेरी धर्म पत्नी है, अभी से आदत डाल ले बांटने की। नींद आ रही है मुझे, जा रही हूं मैं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, माँ के कहने पर कमरा शेयर कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेड भी शेयर करूंगा तुम्हारे साथ। हाँ, तो मुझे भी कोई शिकायत नहीं है, हमारे घर पे हमारा बेड सिर्फ छुटकी इस्तेमाल करती थी, तो आपको अपना बेड शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी इतना बड़ा घर है आपका, इतने सारे कमरे भी हैं, तो जहाँ चाहे वहाँ सो जाइए। कहना हमें तो बहुत नींद आ रही है, हम तो लगे सोने। चलो ठीक है, तुम आराम से सो जाओ। अंतरा को भी ये बेड बहुत पसंद था। कितने सपने देखे हम दोनों ने यहां साथ सोते वक्त, कितनी यादें जुड़ी हैं मेरी अंतरा के साथ। उसकी गोद में सर रख के सोना, उसके बालों की वो खुशबू, मानो आज भी इस बेड में कहीं ना कहीं खोई सी हुई। देखिए हम अक्षत जिंदल को कारावास में अवश्य डालेंगे, उनकी पहली पत्नी के हत्या के आरोप में। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप सोइए अपनी यादों के साथ, हमें नहीं सोना। चलो कोई बात नहीं, अब तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई फोर्स तो नहीं कर सकता ना।
कहां सोगी यही सोच रही हो? परिवार की नई नवेली दुल्हन के विश्राम में भंग डालने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। को ऐसा क्या काम पड़ गया हमसे जो आप इस समय फोन कर रहे हैं? सबूत मिले या नहीं? क्या हो गया है आप सबको? पुलिस में है कि कोई टीचर है जो आपको 2 घंटे में रिजल्ट चाहिए और हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते? और वैसे भी जब तक हमें अच्छी नींद नहीं मिल जाती है ना हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता। और अगर आपको इतनी जल्दी है ना आप प्लीज किसी और को ढूंढ दीजिए। खुद तो नींद आती नहीं अब हमें भी चैन से नहीं सोने देते। मूर्ख लड़की सबूत तो मैं निकलवा कर ही रहा हूं और अक्षत जिंदल तुम्हारी ये दूसरी पत्नी बनेगी तुम्हारे जेल जाने का कारण। क्या बदतमीजी है ये? तोहफा कबूल कीजिए। लीजिए भाई तुम पूछ रहे क्या बदतमीजी है इस उम्र में इतनी अश्लीलता? अरे तुम अपने काम से काम रखो ना। अब तुम वहां बालकनी में सो रही थी मेरे कमरे में क्या कर रही हो तुम? कोई शौक नहीं आपको अंदर आके कमरे में सोता हुआ देखने का? ठंड लग रही है हमें बाहर, कंबल चाहिए। पकड़ो दफा हो यहां से।
मुझ पर गुस्सा निकालकर आपको शांति नहीं मिलेगी दुर्गा जी। इस वक्त हमें एक दूसरे के साथ की जरूरत सबसे ज्यादा है। दुर्गा दी, लक्ष्मी दी बिल्कुल सही कह रही है। हमारी सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया उस 5 फीट 2 इंच ने। हमारी रातों की नींद उड़ाकर वो वहां चैन से सो रही है एजी के कमरे में। इसीलिए कह रही अब भी वक्त बाकी, अगर हम एक हो जाए तो पासा पलट सकते हैं। और वैसे भी सर, मैं इनसे क्यों बोल रही हूँ, ये कर भी क्या सकती। एक सेकेंड, मैं सिर्फ सुझाव दे रही थी, बाकी करना ना करना आपकी मर्जी। ईजी ने खुद हाथ पकड़ के रोका है उसे, तो बस उसके साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए और बस हार मान लेनी चाहिए कि हम कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे उसका। वैसे भी आज रात तो वो रिझाई लेगी ईजी को, सुहाग रात जो है। सासुमा, अब आप इस घर की बहू हैं और हम तीनों आपकी बहुएं, और आपको तो इस घर की बागडोर संभालनी है। पर ये क्या, आप तो सो रही थी तो हम तीनों ने सोचा कि हम लोग आपको जगा दें। अरे अरे, सासू माँ की हाथ की मेहंदी का रंग तो देखो, देखकर पता चल रहा है कि हमारी सासू माँ और हमारे एजी में कितना ज्यादा प्यार है। दिखाना सासू माँ कितना ज्यादा रचा है। छोड़ ना सरू, अफसोस तो इस बात का है कि हमारी बेचारी सासू माँ की सुहागरात इस बालकनी में बीती। देखो ना, सच ही तो लिखा है, तुमसे ना हो पाएगा। इस घर को संभालना तुमसे ना हो पाएगा, हमारी सास बनना तुमसे ना हो पाएगा, और अच्छी पत्नी बनने का ख्वाब देखने तो तुम छोड़ ही दो, तुम्हारे लिए वही बेहतर है। दुर्गा दी, आप ना बेवजह परेशान होती, मैं कह रही हूँ ये 5 फीट 2 इंच है ना, 4 दिन से ज्यादा खुद नहीं टिक पाएगी, और हम लोगों को उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप खुद सोचो, जो लड़की अपने सुहाग रात के दिन अपने पति को रिझा नहीं पा रही है, वो इस घर पर खाक राज कर पाएगी। भिगो तो आपने दिया, शैम्पू तो किया ही नहीं, शैम्पू भी कर दीजिए, शैम्पू का शैम्पू हो जाएगा और चंपी की चंपी। हमें तो पता ही नहीं था कि बड़े बड़े घरों में ऐसे नहलाते हैं। सही है, हमारी तो मेहनत भी कम हो गई। लीजिए, क्या हुआ, आप अपनी सासू माँ की बात नहीं मानेंगी?